नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी इंडिया में कीर्ति मंडला। करते हैं शुरुआत उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के साथ। हिंदू नेता कमलेश तिवारी हत्याकांड के विरोध में राष्ट्रीय बजरंग दल ने किया धरना प्रदर्शन। एसडीएम को ज्ञापन सौंप की फांसी की मांग। हिंदूवादी संगठनों ने प्रदेश सरकार की कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल, कहा योगी सरकार नहीं रोक पा रही है अपराध। मथुरा में ट्रक और टेम्पो में भिड़ंत, हादसे में टेम्पो सवार 10 तीर्थ यात्री गंभीर रूप से घायल। मथुरा में नवजात शिशु के शव मिलने से फैली सनसनी, मौके पर पहुंची पुलिस ने नवजात को कराया अस्पताल में भर्ती। मथुरा में बेटे ने पिता पर किया चाकू से हमला, हादसे में गंभीर रूप से घायल हुआ व्यक्ति। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी बेटी को किया गिरफ्तार। फतेहपुर में हिंदू नेता कमलेश तिवारी हत्याकांड के विरोध में हिंदू संगठनों ने किया धरना प्रदर्शन। अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने कमलेश तिवारी हत्याकांड मामले की सीबीआई से की जांच की मांग। मृतक परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा देने की भी रखी शर्त। हिंदू संगठनों ने आरोप लगाते हुए कहा कि मृतक नेता कमलेश को कई बार जान से मारने की मिल रही थी धमकियां, बावजूद इसके सरकार ने नहीं दिया कोई ध्यान। आजमगढ़ में दबंगों के हौसले बुलंद, मामले विवाद में 2 लोगों की बहरावे से की हत्या। मौके पर पहुंची पुलिस, 1 आरोपी को किया गिरफ्तार, आगे की जांच में जुटी पुलिस। संभल में 1 चरस कारोबारी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, पकड़े गए कारोबारी के पास से 350 ग्राम चरस बरामद। अलीगढ़ में हिंदू महासभा ने हिंदूवादी नेता कमलेश तिवारी को दी श्रद्धांजलि। राष्ट्रीय सचिव पूजा शकुन पांडे ने कहा, पकड़े गए आरोपियों को फांसी दे देनी चाहिए। अलीगढ़ में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस का अभियान में हरियाणा मार्का की 540 पेटी अंग्रेजी शराब के साथ 1 आरोपी गिरफ्तार। प्रतापगढ़ में रामलीला का किया गया आयोजन, भारी संख्या में लोग रहे मौजूद। सीतापुर के जिला कारागार का नोडल अधिकारी ने किया निरीक्षण, महिला कैदियों की समस्याओं से हुई रूबरू। नोडल अधिकारी ने निरीक्षण के दौरान मिली खामियों को जल्द सुधारने के दिए निर्देश। संभल में बदमाशों के हौसले बुलंद, परिवार को बंधक बनाकर 4 लाख की लूट, हुए फरार। संभल में पुलिस का अमानवीय चेहरा आया सामने, शिकायत दर्ज कराने गया पीड़ित से समझौता का बनाया दबाव, विरोध करने पर दिया 3rd डिग्री। ललितपुर में 3 दिन से लापता बच्चे का शव बरामद, पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार, घटना का किया खुलासा। एनआईए द्वारा आतंकी गतिविधियों के मद्देनजर भारत नेपाल की सीमा पर हाई अलर्ट जारी, सीसीटीवी कैमरे से रखी जा रही है निगरानी। नेपाल से भारत को जोड़ने वाली सीमा खुली होने की वजह से लगातार बनी रहती है घुसपैठ की आशंका। अलीगढ़ में नाबालिग बच्ची के साथ हुआ गैंगरेप, हालत गंभीर होने पर पीड़ित बच्ची को कराया गया अस्पताल में भर्ती। पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार, एसपी का कहना बाकी आरोपी भी जल्द होंगे गिरफ्तार। एक्शन मोड में दिखे संभल के उपजिलाधिकारी दीपेंद्र यादव, शहर भर में चलाया अतिक्रमण हटाओ अभियान। अभियान में हटाया गया अवैध अतिक्रमण, मौके पर भारी पुलिस बल रही मौजूद। फरुखाबाद में खेलकूद प्रतियोगिताओं का किया गया आयोजन, 8 जिलों की महिला पुलिस और पुरुष पुलिस ने लिया हिस्सा।